इधर हम हरी के वेटलैंड पहुंच गए हैं। भैया आपका नाम क्या है? माय नेम इज लवलप्रीत सिंह। आप धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का यहाँ पर आने का। आपको आज हम बताएंगे हरी के वेटलैंड के बारे में। हरी के वेटलैंड क्यों जरूरी है, क्या खासियत है इसमें, क्या बात है, कितने बर्ड्स आते हैं और कितने लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, आज हम सबको बताएंगे आप। तो आज आप हरी के वेटलैंड के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो पहले ये बात ज़रूरी है पढ़ना कि ये साइट जो हरी के में है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये आती है हमारे रामसर साइट में, या रामसर साइट के अंदर आती है ये हरी के वेटलैंड। और इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं 365 मैनी स्पीसीज ऑन द बर्ड। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं विंटर सेशन के लिए। विंटर सेशन में बहुत सारे पंछी जैसे कि शावलर, डक वगैरह जो आप देख ही रहे पिक्चर में सामने लगा हुआ है, ग्रे लेग गीज, नॉर्थन शावलर, पिंटल वगैरह, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए बर्ड्स को। सबसे बेस्ट टाइम क्या भी है इधर विजिट करने का? विंटर सेशन है ना हमारा, नवंबर से लेकर मार्च तक है यहाँ पर विंटर सेशन। ओके। यही सबसे बेस्ट होता है बर्ड वाचिंग के लिए। और कितने टूरिस्ट आ जाते हैं लगभग दिन में? दिन में 25 आ जाते हैं टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ पर बाहर जाते हैं ना हमारे यहाँ रिवर्स, टू रिवर्स पड़ती हैं, एक रिवर पड़ती है ब्यास और फिर सतलुज, वो दोनों आपस में अटैच होती है यहाँ पर हरी के वेटलैंड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे लेक भी है ना? हरी के लेक है, आप बाहर जाएंगे आप देख कर आएंगे लेक। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे रुकने का भी कुछ अरेंजमेंट कराते हैं? रुकने के लिए अरेंजमेंट तो है हमारे पास में, होटल है, ये रेस्ट हाउस बने हुए हैं, कैनाल रेस्ट हाउस। अच्छा, और सरकार की तरफ से कुछ? सरकार की तरफ से ये रेस्ट हाउस है और आपके लिए प्रोवाइड किया गया है कि आप बर्ड वॉचर कैसे करते हैं, वो आपके लिए बनाया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। ये भी आप क्या बोल रहे थे, कौन सी वाली डक के बारे में बता रहे थे? नॉर्थर्न शेवलर, जो मेल और फीमेल दोनों आती हैं हमारे यहाँ। इसकी बिल होती है ना, वो स्पून टाइप होती है, स्पून जान लैसे चमचा। और यहाँ पे कोई जानवर वगैरह भी दिखते हैं? जानवर तो है यहाँ पर, इंडस रिवर डॉल्फिन और घड़ियाल जो हमारे फर्स्ट क्लास में आते हैं, शेड्यूल फर्स्ट क्लास में अंडर सेक्शन 1972 के अंदर आते हैं। और आप ग्रे लेग गीज वगैरह, शावलर वगैरह, पैगमे गूस वगैरह, नॉर्दर्न शेवलर और पिंटेल, मलाड, ये काफ़ी प्रकार के पंछी हैं जो हमारे हर साल आते हैं और आपको भी आज मिलेंगे कुछ देखने के लिए। आप जाएंगे बाहर तो आपको पता चलेगा यहाँ पर इंडियन गर्ल्स वगैरह भी होते हैं। ऐसे मैं बाहर भी जाता हूँ, मुझे देखना पसंद है यार पंछी देखना भी। ओके ओके। मैंने नाम क्या है? जसवीर सिंह है जी। जसवीर सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं आसपास? नहीं, इस तो 7 किलोमीटर दूर है जी मेरा पिंड। कहाँ पे? बट्टू पट्टी है जी। बट्टू पट्टी, हाँ जी। शुक्रिया, ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और आप बाहर जाएंगे तो एंजॉय करो वाइल्ड लाइफ को, और हमारे जो भी आपको देख रहा है लाइव उसको बताना यहाँ हरी के वेटलैंड के बारे में खूबसूरती की। और जो आज बना रहे हैं वीडियो ब्लॉग, और इनका पेज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए। जिंदगी के पन्ने इनका पेज का नाम है, यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए आप, शेयर कर दीजिए और हमारे यहाँ पर है वेटलैंड में जल्दी से जल्दी आइए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अभी बर्ड सेंचुरी से हमने जो पासेस लिए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहाँ पे कभी भी आए तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर द एंट्री फीस। एंड ये है आपका मेन पुल, ये दो नदी व्यास और सतलुज यहाँ पे आके मिलती हैं और यहाँ पे एक वाटर सोर्स बनता है। सब सोचेंगे कि हम हमेशा जंगलों में ही क्यों घूमते हैं। खतरनाक जंगलों के बीच में से गुजरते हुए I'll show you. हरी के वेटलैंड में गुरुद्वारा और बर्ड सेंचुरी दोनों ही काफ़ी खूबसूरत हैं और अनएक्सप्लोर्ड भी। जिंदगी छोटी है और सफ़र बहुत लंबा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इसी सफ़र पर और आपको लेकर चलेंगे हरीके के उन रास्तों पर जो अनदेखे और अनजाने हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और यूं ही पलटते रहिए ये जिंदगी के पन्ने।